नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सूरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से जम्मू पहुंची है तब से वो लगातार विवादों में बनती जा रही है और इस यात्रा को लेकर चर्चाएं भी अब तेज हो गई है। बता दें, यात्रा जम्मू पहुंचने के बाद ही अब कांग्रेस को पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का भी साथ मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की घोषणा की है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर कठुआ जिले के लखनपुर पहुंचने के बाद ही फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी। वहीं अब साथ मिलने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। बता दें, इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने खून से खत लिख कर देने की बात तक कह दी है। जी हाँ, आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने पर जोर दिया है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान से बात करने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको अपने खून से लिख कर देने जा रहा हूं कि आतंकवाद अभी जिंदा है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी। हमें एक कोशिश करनी होगी, लेकिन बीजेपी सरकार अनिच्छुक है क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए नफरत फैलानी है। आपको बता दें, बीजेपी पर ऐसा कटाक्ष करना फारूक अब्दुल्ला के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो पहले भी केंद्र की मोदी सरकार को इसी तरह से घेरते हुए नजर आए हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान तब सामने आना जब भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव वाले प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर पहुंची है, तो यह अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर देता है। हालांकि यहां पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने भी जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने नफरत फैलाई है। पहले मैंने सोचा था कि यह बहुत गहराई तक फैला है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा मुख्य रूप से टेलीविजन पर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और महंगाई को देश के मुख्य मुद्दे करार करते हुए मीडिया तक पर इन्हें उजागर ना करने का आरोप लगाया। बहरहाल, अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।